जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो हमारे भीम नंदी खड़ा है, बुरा हाल कर दिया है बारिश ने। देखो ये अंदर ही खड़ा रहते हैं, इधर रगड़ रगड़ के ये भर भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। साले हरामी भगवान मादर सोद हाथ में आ जाएगा ना, भोसड़ी का को इसमें बांध के रखेंगे। साले लगता है ऐसा, मेरे को तो कभी कभी भगवान होगा ही नहीं। साले देखो ये बारिश से ये उठा भी नहीं सकते और इधर पेशाब और गोबर करते हैं, तो इतना परेशान कर दिया है। दो मंथ में एक दिन कम है, 14 तारीख है, 15 तारीख को हमारी बारिश चालू हुई थी, लगातार चालू ही, बंद है ही। साले कमीने, साले कमीने कुत्ते ही होता है, मेरे को तो लगता है भगवान नहीं होता है। साला ये वरना कि जहाँ बारिश हो रही है लगातार हो रही है, इसमें देखो ये साले ये इधर बैठ नहीं सकते, बारिश चालू रहती है छोटी मोटी 24 घंटा, कभी कभी रुकती है ना, रुकती नहीं है। और इधर खड़ा रहेगा तो इधर क्या हाल होगा, यही हाल होगा कहीं का। पूरा कर दिया इसको, इसको खाना भी इतना मिलता है, पूरा कर दिया, ये बैठ भी नहीं सकता। आज दो दो मन से बैठे नहीं है साले। भगवान ये कुत्ते की औलाद, मैं तो भगवान को ही गालियाँ देता हूँ साले, ना भगवान भी क्या करेगा साला हरामी। देखो ये इतनी इतना खाना भी पड़ा, ऐसा नहीं है कि इसको खाना नहीं डालते। देखो इसको तो खाना पड़ा रहता है, इतना डालते हैं, राम लखन को तो ज़्यादा नहीं डालते, लेकिन उसको ये गाडला डाला हुआ और ये सही था उसका रूम। तो ये देखो ये एक बार मेरे पास ये 32 लाख का मंगा हुआ था, एक फिल्म का निर्माता है उसने, ये प्रिंस करके साउथ की फिल्म का निर्माता, अभी भी मेरे को कभी कभी फ़ोन कर रहा है। तो ये मैंने एक बाहर विदेश भेजने की थी 20 गाय और ए नंदी, तो 2.5 करोड़ के चक्कर में इसको नहीं दिया मैंने, तो अभी इसका कोई 5 लाख भी नहीं दे रहा है। मैं तो सही बताता हूँ, क्योंकि ये नंदी भी बढ़िया है, बछड़ी आती है। देखो ये बुरा हाल करके रखा है इधर, ये भरेंगे भी कैसे लेबर, ये भर भी नहीं सकते इसको, यानी इसको भर भी नहीं सकते लेबर, कहाँ से भरेंगे कैसे भरेंगे, यही तकलीफ। और ये पूरा कर दिया और उधर बैठते नहीं है, इधर गोबर और पेशाब करके पूरा कर दिया। साले भगवान हाथ में आएगा ना तो साले इस गधे को इसमें पकड़ के रगड़ेंगे 3 दिन 4 दिन, उसको इधर रखेंगे ना तो पता चलेगा साले हरामी, क्या ना हरामी ना। देखो ये हमारे शेर खड़े हैं, इसको ये इसको कुछ ज़्यादा नहीं तकलीफ हुई, क्योंकि इसको वहाँ नीचे भी पक्का है और ये गाडला डाल दिया। मैं कहता हूँ इसकी तो उनसे भी ज़्यादा खराब हालत होती, क्योंकि ये सफ़ेद है, वाइट जो है ना, वाइट है, तो ये तो उनसे भी खराब रहता है और इसको तो खेत में चलना पड़ता है, तो ये किसान भी इतना कहाँ से डाल सकते हैं। ये भी एक एक 2400 का आता है गाटला, ये गाटला डाला हुआ है, इसको फैन भी है और ये मच्छर मारने की खाना उन ये राम लखन को से उसको दोनों गिर को ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो बैठते ही नहीं, बैठ ही नहीं सकते, कहाँ से उसको आराम ही नहीं मिलता दो दो मंथ से, तो कहाँ से ये हटा कटा होगा। देखो ये हमारे राम लखन, इसको भी ये थोड़ा कमज़ोर तो हुआ है, क्योंकि माखी और मच्छर, शाम को मैं आया था तो सर सब ये कीड़ा सब इसको परेशान कर रहा था, बैठा नहीं तो लैप मैन निकाल के वहाँ रख दिया। देखो ये दोनों बारिश आ रही थी, इधर से कीड़ा से परेशान से तो वहाँ खड़ा था, बारिश चालू बारिश थी तो भी वहाँ खड़ा, इसको भी ऐसा है बाहर तो ये भी खड़ा नहीं हो सकता। इसको नीचे बालू डाल के ये डाला हुआ है, उसमें भी लाइट स्टोन डालना, अभी इतना बहुत बड़ा गौशाड़ा है इधर से उधर सब जगह पे, तो कहाँ से डालेंगे इसमें पत्थर डालेंगे, अभी ये सोखा भी नहीं होगा, इसमें ये गाडला डालना है तो भी नहीं डाल सकते, क्योंकि जो वो निकलेगा तो आप उसमें कुछ कर सकते हैं। वैसा है भाई साहब, देखो ना कि ये राम लखन दोनों खाना खा रहा है, क्योंकि इसमें आराम इसको मिल जाता है बैठने के लिए, उसको आराम ही नहीं मिलता। अब दो दो मंथ हुआ है, कहाँ से ये बैठेगा, बारिश बंद ही नहीं हुई है कभी, बंद ऐसा दिन ही नहीं आएगा, आज पूरा दिन में नहीं आई है, ज़्यादा नहीं आती, 24 घंटा नहीं आती तो आधा घंटा आ जाती है, 1 घंटा आ जाती है तो ये पूरा कर जाती है। हर गाय कैसा हाल है, भैंस होगी तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता भैंस को, लेकिन ये गायों और बैलों को तो बड़ा परेशान, और किसान को सबको कर रहा है।
खेत में तो ठीक है कि दवाई लगा देते हैं, इसमें क्या कर गया, मशीन लगाया और फैन लगाया है, दो दो मंथ से साला बारिश हो रही है। पहले हमारे ये 20 साल में 2 मंथ में हुई नहीं हुई, 20 साल में बारिश नहीं होती, एक से लगा से 20 साल तक बारिश नहीं होती, जब पड़ता है तब सूखा पड़ता है और जब होती है तब लगातार हो रही है। अभी ये 3 साल से ऐसी लगातार हो रही है, तो पहले तो हमारे बारिश नाम की आती थी, सूखा ही पड़ते थे। मैं छोटा था ना तब, क्या नाम की बारिश आती है। ऐसा भाई साहब हमारे राम लखन और ऐसा किसान का हाल है। बोलते हैं ना आपको, ये टमाटर सब्जी और सब महंगा हो गया, इधर आ जाएंगे गोबर उठाने तो आपको मालूम हो जाएगी, क्या ना आपको इधर गोबर उठाने वाली आ जाएगी ना, इधर 15 दिन रखेगी ना तो पता चलेगा आपको कि ये कैसे दूध बनता है, कैसे अनाज बनता है, कैसे सब्जी बनती है। साली भोसड़ी की खड़ी हो जाती है वहाँ सामने कैमरा रखने के, चश्मा बस्मा मेकअप कंप्लीट करके हमारा बजट बगड़ गया भोसड़ी की, कि इधर आ तो मालूम चलेगा ये बजट कैसा होता है हमारा, ये पता चलेगा किसान का। ये देखो आज इधर रखेगी तो एक दिन नहीं रहेगी, क्या ना गांड फट जाएगी, इधर आएगी ना तो साली वो बोलती है ना कि सब्जी का दाम बढ़ गया और अनाज का दाम बढ़ गया और दूध का रेट बढ़ गया, वो साली वैसी आई होती है बोलती है, क्या ना वो वैसी आई होती ना वही बोलती, कोई किसान की लड़की नहीं बोलती, वो गाँव से गई होगी शहर में तो भी नहीं बोलती, शहर में पैदा होती है और वैसिया होती है वही बोलती है, क्यों ना वैसिया होती है ना वही बोलती है, मुगलों की औलाद अंग्रेजों की औलाद होती है वो। ये किसान का ऐसा कभी नहीं बोलेगी कि टमाटर महंगा हो गया है और दाल होगी मूंगी सब्जी होगी सब महंगा हो गया है, तो इधर आ जा 15 दिन रुक तो तेरे को पता चलेगा ये कैसे दूध बनाते हैं और कैसे किसान रहते हैं और कैसे सब्जी बनाते हैं, कैसे गेहूं और बाजरी पकाते हैं सावर, तो आप सबको पता चलेगा। साले कमीनियों को इधर ही भेज देना चाहिए, ये साला पत्रकार भी बहुत सड़ी का होता है, सब मीडिया वाला ही बहुत सड़ी का होता है, सब वहां खड़े हो जाते हैं कि आपका ये टमाटर का दाम बढ़ गया है तो बजट कितना खराब हो गया, तू भी बहुत सड़ी का इधर आ तो तेरे को पता चलेगा, बहुत सड़ी का इधर आ तो बजट का पता चलेगा टमाटर का और सब्जी का। साले इसमें कोई कोई किसान का भी साला ऐसा इधर से गया हो बोल देते हैं गए तो दाम बढ़ गया है, तो भोसड़ी का इधर किसानी करता हूँ पता चलेगा कैसे किसान रहते हैं और कैसे सब्जी बनाते हैं, कैसे दूध निकालते हैं और कैसे यहाँ माखी मच्छर और सांप के बीच में ये घूमते रहता है हमारा लेबर और हमारा मजदूर और हमारा सब पूरा परिवार। साले और बोल देते हैं कि ऐसा सब्जी का दाम बढ़ गया है, दूध का दाम बढ़ गया है, हमारा बजट खराब हो गया है रसोई घर का, इधर आ तो रसोई घर का पता चलेगा तेरे को कैसे रसोई बनाना है साले हरामी। ऐसा है भाई साहब, अब किसानी देखते हैं आपको तो वो तो नहीं देखेगी क्योंकि उसको गालियाँ ही पड़ता है, ऐसा है हमारा राम लखन और रखना, तो ये बारिश भी सही होगी। तो देखो ये कॉपी टू कॉपी है, दोनों एक ही साइज है, आप ऊपर नीचे इसको नहीं देखेगा, ये दोनों एक साइड में ही देखेगा, देखिए आप जरा भी ऊपर नीचे नहीं है, दोनों खुड्डा भी है, दोनों के एक एक भमरी है और दोनों सुबह सुबह खाना इसको मिल गया है तो खा रहा है, हमारे श्रीरावण बोलते हैं भाई इतना इसको इतना ही ये भूखा मिला है सुबह सिंह का पाला, दोपहर तक इसको कुछ नहीं मिलेगा, दोपहर पे इसको मिलेगा सने का वो इतना मिलेगा, ज़्यादा इसको मिलता ही नहीं, इतना ही डालते हैं। देखो इधर आ गया दोनों मेरे पास, यानी कि ऐसा लगेगा हमारे को खुजली करेगा, हाँ या ना ऐसा, तो ये दोनों उधर से खाना खाता खाता इधर आ गया खाना खाता, तो ऐसा है देखो दोनों कॉपीराइट है, यानी दोनों ऐसे ही है, ये शाम को इधर से ही खड़ा है, यानी इधर शाम को खड़ा था तो ये वहाँ जीवात आ रही थी इधर आ गया, दोनों वहाँ खड़ा था, बारिश थी छोटी छोटी तो भी इधर दोनों खड़े, तो मैंने इसको पकड़ के इधर लाया और ये लैंप निकाला। ऐसा है भाई साहब, ये हमारी राम लखन की जोड़ी, तो शरद क्या किसान के पास यही होता है तो वही भेजेंगे